सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नंबर वन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयपाल, आपके लिए जियो फोन के बारे में लेकर आया हूँ बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम अपने जियो फोन के दोस्तों डबल हॉटस्पॉट कैसे चलें। दोस्तों आपने दोस्तों ओमिनी एसडी फाइल का बोला दोस्तों, ओमिनी एसडी फाइल का दोस्तों वीडियो आएगा लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए दोस्तों। और लेकिन दोस्तों जेबी स्टोर का दोस्तों मैंने बहुत दिनों से रिसर्च करने के बाद दोस्तों उसकी न्यू ट्रिक खोज लाया था, लेकिन दोस्तों ओमिनेस्ट की अभी तक खोजी नहीं है, उसकी खोजूंगा और उसके बाद आपको लेकर आऊंगा। दोस्तों ओमिनेस्टी की वीडियो भी आने वाली है दोस्तों। और दोस्तों आज हम दो हॉटस्पॉट जियो फोन के अंदर ऑन करने वाले हैं दोस्तों, यानी मैंने इसको लैपटॉप से रूट कर रखा है, लेकिन दोस्तों आपको मैं बिना कंप्यूटर वाले दोस्तों प्रोसेस के साथ एक पार्ट तो बना दिया, लेकिन दोस्तों दूसरा पार्ट दोस्तों वो भी आने वाला है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों। और तो मैं कुछ बता नहीं सकता उसके लिए कि क्या करें, लेकिन वेट तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए आज गुड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा कनेक्शन ऑन करना है या फिर आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना है इसका। उसके बाद दोस्तों मैंने इसको जियो फोन कर रखा है रूट। अब देखो यहाँ पे जेबी हॉटस्पॉट यहाँ पे जेबी हॉटस्पॉट, यहाँ पे जेबी और जेजी देख सकते हैं, यहाँ पे जेबी हॉटस्पॉट और जे जी हॉटस्पॉट। चलो इसको ऊपर वाईफाई से कनेक्ट है, इसको यदि खोलते वक्त दोस्तों वाईफाई और एयरप्लेन मोड को ऑफ करते हैं, यानी इसके अंदर डबल हॉटस्पॉट चला सकते हैं आप। मैं उसको हॉटस्पॉट का ऑन करता हूं और पहले इस हॉटस्पॉट का एक बार ओपन करते हैं आपके सामने। यहाँ पे इसका नाम क्या रखोगे, यहाँ पे मान लो हम कुछ रख देते जे, यानी कुछ भी रख दो यहाँ पे। और उसके बाद आते हैं नीचे यहाँ पे ऑन या फिर ऑफ, यहाँ पे सिक्योरिटी क्या रखोगे इसकी, सिक्योरिटी चलो ये रख देते हैं। और यहाँ पे इसका पासवर्ड क्या रखेगी, कुछ भी रख दो यहाँ पे, और अभी कर दो सेव। तो ऊपर देख सकते हैं हॉटस्पॉट है वो ऑन हो चुका है, देखो यहाँ पे हॉटस्पॉट, यानी इस ट्रिक से भी हॉटस्पॉट ऑन होता है। अब इसको ऑफ करेंगे दोस्तों, ऑफ इससे होता नहीं है। और ऑफ करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, देखता हूँ एक बार, आपको नेट को ऑफ करना पड़ेगा, यानी इससे अब देखो हॉटस्पॉट ऊपर ओपन होंगे। एक बार मैं वाइब्रेट बंद करता हूँ ताकि हॉटस्पॉट आपको एकदम साफ दिख जाए। अब दोस्तों आपको बताता हूँ इसके अंदर आपको हॉटस्पॉट दोबारा ऑन करके, यानी इस हॉटस्पॉट ऐप से भी आप ऑन कर सकते हैं, इससे भी ऑन कर सकते हैं। दोस्तों ऊपर आपको लोगो बताऊंगा हॉटस्पॉट का, और इस हॉटस्पॉट का मैंने ऑन किया, यानी इसके अंदर अपना नाम है वो बदल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर यहाँ पे जे जो कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया ऑन, और सिक्योरिटी इसको लिख देते हैं, और पासवर्ड क्या रखेंगे इसके अंदर। दोस्तों हम पासवर्ड है वो अपनी तरफ से बनाकर भी लगा सकते हैं या फिर अपने द्वारा रचित करके भी लिख सकते हैं, यानी अब चलो हमने जेड क्यू ए लिखे उस पर, तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो एक बार रहता है और ऑफ करने के बाद एक बार हट जाता है। चलो तो सेव करते हैं। ऊपर देखो हॉटस्पॉट का आइकन आ चुका है यहाँ पे, देखो बिल्कुल अभी हॉटस्पॉट आप देख सकते हैं, यानी वो फीका है, यानी इसके अभी तक कनेक्ट होता है तब दोस्तों ये गहरा हो जाता है। दोस्तों आपको कुछ बहम तो आ रहा होगा ऊपर दोस्तों, यहाँ पे वोल्टी के पास में हॉटस्पॉट ऑन हो गया है, और यदि आप इसको ऑफ करेंगे तो ऑफ यहाँ से नहीं होगा। और मैंने आपके लिए इस जेबी हॉटस्पॉट भी आपको हॉटस्पॉट ऑन करके बता दिया है, इसको बेगाते हैं और इसको दोबारा ओपन करेंगे, बेगाते हैं और हॉटस्पॉट दोस्तों एक से इस हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। और चलो अब इस ऐप को हम ऑफ करते हैं। अब दूसरे वाले हॉटस्पॉट दोस्तों, दो हॉटस्पॉट ऐप चल सकते हैं जियो फोन के अंदर। दोस्तों मैं आपके लिए जो रूट वाले प्रोसेस बिना कंप्यूटर वाले दोस्तों लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, और उसके लिए दोस्तों मैंने जेबी स्टोर का तो पार्ट बना दिया, लेकिन दोस्तों उसका मैं पार्ट अभी तक नहीं बना पाया हूँ क्योंकि उसका रिसर्च कर रहा हूँ। दोस्तों जेबी हॉटस्पॉट दोस्तों मैंने इंस्टॉल करने के लिए आपको ऑनलाइन ब्राउजर पर चला दिया है, और उसको तो आप देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों उससे ऐप आपको ऐप नहीं आएंगे, यानी उसको साथ आप ऐप का फाइल ले सकते हैं लेकिन उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए इंस्टॉल करने के लिए आपको दोस्तों ओमिनियस टेप की आवश्यकता होगी दोस्तों, उसको वेट करना पड़ेगा आपको, यानी मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। चलो अब इसको इस ऐप को दोस्तों आप ओपन करते ही ऊपर हॉटस्पॉट का आइकन आ जाएगा, मैं ओपन करता हूँ, ऊपर ओपन करते जा सकते हैं, पर आइकन आ चुका है। और इसका दोस्तों पासवर्ड जो बदल नहीं सकते कभी भी, या फिर इसका वाईफाई दोस्तों इसका नाम होगा वो तो जियो फोन ही रहेगा, और सिक्योरिटी पासवर्ड ये 8928138, यानी ये तो हमेशा के लिए रहती है, इसके अंदर बदल नहीं सकते, यानी इसके अंदर जो भी पासवर्ड है या फिर जो भी सिक्योरिटी या जो भी इसका नाम है जो भी इसका कुछ भी इसका मानी हॉटस्पॉट का आप अपडेट का या इसके अंदर सेटिंग उसको बदल नहीं सकते, यानी सेटिंग कुछ भी आप इसके अंदर अपनी तरफ से मिलकर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हॉटस्पॉट को दोस्तों इसके अंदर इसकी जो होती है उसको आप लगा सकते हैं। लेकिन दूसरे वाले ऐप दोस्तों उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऑफ करता हूँ हॉटस्पॉट को, हॉटस्पॉट को ऑफ किया, और अब इस ऐप के अंदर दोस्तों आप अपना अपनी मनपसंद दोस्तों आप लगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम अपना नाम लगाते हैं अच्छा सा, मैं दोबारा इन्हें कॉलिंग आ गई पता नहीं किसकी है,
और इसके अंदर हम कुछ भी नाम लगा सकते हैं, और इसको हम कॉलिंग करा है वो सामने वाला, पता नहीं कौन है, तो इसको ऑफ कर सकते हैं ऐसे, इसको ऑन भी कर सकते हैं, और एक सिक्योरिटी है डेब वेब ये भी कर सकते हैं। इसके पासवर्ड दोस्तों हम एक बार लगाते हैं इसके अंदर, कुछ भी लगा सकते हैं दोस्तों। मैंने पासवर्ड एक बार जे क्यू इस तरह का लगाया है, यानी 8 अंक तो होने चाहिए, हो गया। और इसको कर देते हैं सेव कर देते दोस्तों ऊपर, आपको मैं ऊपर सेव करता हूँ, ऊपर देखते रहना हॉटस्पॉट ऑन हो गया है ऊपर हॉटस्पॉट दोस्तों, आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा, या मैं इसको मोबाइल को टेढ़ा या फिर कुछ ही करता हूँ तो आपको दिखाई दे जाए, या दोनों ऐप से दोस्तों आप हॉटस्पॉट को ऑफ या फिर ऑन या फिर इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, और इसको हम ऑफ करने के लिए दोस्तों एक बार डेटा कनेक्शन ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि इसका ऑफिशियल अपडेट नहीं नए होने की वजह से दोस्तों आप इसको ऐप के थ्रू बंद नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको नहीं ओमिनियस डी फाइल वो बताता हूँ आपको, और इसके अंदर ये यूट्यूब का ऐप है दोस्तों, वो भी एक अलग सा ऐप है, और इसके अंदर देख सकते हैं मैंने इतने सारे ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं। यहाँ पर देखो एक तो यूट्यूब ये रहा, और एक यूट्यूब नीचे रहा, ये रहा यूट्यूब, यानी यूट्यूब ही यूट्यूब दोस्तों कोई कमी नहीं है ऐप की। तो ये था वेबरे ऐप है दोस्तों, ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर जेबी स्टोर, यार जेबी स्टोर मैंने जो आपको ऑनलाइन बताया था, लेकिन मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, और इसको ओमिनियस डी से दोस्तों आपको इसके अंदर ऐप उठाने पड़ते हैं दोस्तों। आपको आपको जरूरत है दोस्तों ओमिनियस डी ऐप की, दोस्तों मैं अपने ओमिनियस डी का दोस्तों कोशिश करूंगा आपके लिए दोस्तों, और रिसर्च करूंगा इस पर, और आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन दोस्तों इससे दोस्तों आप एक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर रखे मैंने, तो इसके अंदर इंस्टॉल नहीं हो रहा अभी, सभी मैंने इंस्टॉल करके तब जो इंस्टॉल नहीं हो रहा है। और ये देखो ऐप इंस्टॉल हो गया, ट्विटर को इंस्टॉल कर दिया मैंने ऐसे। और दोस्तों आप इसके अंदर से दोस्तों आप इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों, मैं दोस्तों आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों, लेकिन ओमिनियस डी ओमिनियस डी का लेकर आऊंगा, और जेबी स्टोर तो मैंने आपको बता ही दिया है ऑनलाइन चलाना, और तो ओ जेबी स्टोर का आप वैसे ही चला सकते हैं। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, मैंने जियो फोन डबल हॉटस्पॉट ऑन करके बताएं या फिर ऑफ करके बताएं आपको दोनों ऐप से, यानी ये दोनों ऐप है, एक तो ये हॉटस्पॉट है और जेबी हॉटस्पॉट, एक जेजी हॉटस्पॉट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, वीडियो करना अपने दोस्तों शेयर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जियो फोन जब भी कोई अपडेट मिलती है सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने के लिए वीडियो मिल जाती है, तो उसमें चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो लाइक करना दोस्तों। लाइक करोगे तो मेरे को पता चलेगा दोस्तों वीडियो पसंद आया, और जितना उसके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि दोस्तों वो भी इस वीडियो को देखें, और नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी बात बताना कि आपको हॉटस्पॉट चाहिए या फिर आपने ओमिनियस डी इंस्टॉल कर लिया है, तो बताना ये नीचे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, मिलते हैं कुछ नहीं के साथ, जय हिंद जय भारत।